गुड इवनिंग, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आप लोग तक आ रही है क्या? यस सर। ओ यस सर। यस सर। ओके, रोहित, हमने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था? रोहित, रोहित आवाज आ रही है तुमको? गिरीश पाटिल, आपकी पहली क्लास है आज? नो सर, सेकंड क्लास है। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास हमने? एब्रीवेशन। एब्रीवेशन पढ़ा था ना? हाँ। MSF का फुल फॉर्म क्या होता है? MSF। हाँ? RIDF का फुल फॉर्म क्या है? LIBOR का फुल फॉर्म क्या है? LIBOR। LIBOR, LIBOR, LIBOR। CAR, CAGR का फुल फॉर्म क्या है? किसी का फुल फॉर्म बताओ? कैपिटल टू रिस्क एसेट वेटेड। मिल गया तुम्हारे बुक में ये। नीता प्रजापति। यस सर। मैडम, एचयूएफ अकाउंट का फुल फॉर्म क्या होता है? किसका सर? एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। वेरी गुड, चलेगा। जोशी, डिंपल जोशी। मैडम, ये टीडीएस कब लगेगा? टीडीएस कब लगता है? एफडी किसी भी एफडी पे लगेगा टीडीएस? नहीं, वो 1,07,50,000 का इंटरेस्ट ज्यादा होगा ना तभी। नहीं, ऐसा नहीं बोलने का मैडम, ऐसा बोलने का कि 40,000 से ज्यादा अगर इंटरेस्ट होगा तो टीडीएस लगेगा, ठीक है? वो अमाउंट नहीं बोलने का, वो अमाउंट मैंने समझाने के लिए बताया था। बट एक्चुअली क्या है कि इंटरेस्ट अगर 40,000 रुपए से ज्यादा होता है, क्योंकि टीडीएस की लिमिटेशन ही 40,000 रुपए है, तो टीडीएस लगेगा, ठीक है? याद रहेगा ना? ओके सर। यस, ओके। हाँ सर। गणेश। यस सर। पहली क्लास है क्या? हाँ सर, बहुत दिन बाद ज्वाइन किया। बहुत दिनों के बाद, इतने दिन तक कहाँ थे? नहीं सर, आउट ऑफ नेटवर्क था। आउट ऑफ नेटवर्क? यस सर। इधर ऑस्ट्रेलिया में सीरीज देखने चले गए थे क्या? सॉरी, आउट ऑफ नेटवर्क किधर गए थे? मैं विलेज में था, गांव में था। अच्छा, ओके, ठीक है। रेनू। यस सर। रेनू मैडम, कहाँ से पूछूं, कौन से टॉपिक से? सर, कहाँ से पूछो? सर, सिटीजन सेविंग स्कीम आपने उस दिन बताई थी और एचयूएफ आपने बताया था, उसमें से पूछ लीजिए। मुझे ये बताओ, बोलिए, पीपीएफ अकाउंट में हम मैक्सिमम कितनी बार पैसे डाल सकते हैं? पीपीएफ अकाउंट में सर 12 times। वेरी गुड, क्या बात है, ग्रेट। और कितना मैक्सिमम डाल सकते हैं? सर 1.5 lakh, मींस 1.5 lakh। 1.5 लाख रुपए, बिना देखे बोल रही हो, देख के बोल रही हो? हाँ सर।
बिना देखे बोल रहे हैं या देख के बोल रहे हैं आप? सर देख के। अब अबा मतलब चोरी वो भी खुलम खुला? नहीं सर, हमने बता दिया ना आपको, देख के बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन याद रखने का ये सब बड़ी फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ सर ठीक है, गुड। कुछ लोग तो देखते हैं कि सर शुरुआत से 5 मिनट पूछ ही रहे हैं तो आके और चोरी से निकल जाते हैं, फिर 5 मिनट के बाद ज्वाइन कर लेंगे। तेजश्री, तेजश्री आपकी पहली क्लास है, बोलो बोलो। आपने माइक अनम्यूट किया है लेकिन बोल नहीं रही है, बोलो। चलो दीपक विश्वकर्मा, आखिरी क्वेश्चन आपसे। दीपक विश्वकर्मा। यस सर। कितने क्लास कर लिया है आपने? सर प्रीवियस क्लास में था सर, पिछला क्लास ओनली। नहीं सर, उसके पहले भी था। असबा का फुल फॉर्म बताओ। किसका सर? ASBA, असबा। असबा सर मिलेगा, 1 सेकंड। चलो FRBM का फुल फॉर्म बताओ। सो फाइनेंशियल फाइनेंशियल, R फॉर रेलवे, B फॉर बनारस, हाँ सर फाइनेंशियल स्टार्टिंग में तो फाइनेंशियल है। हाँ हाँ कैसे काम चलेगा? NDTL का फुल फॉर्म बताओ, क्या होता है NDTL? चलिए सुरे शुरुआत करते हैं हम आपकी आज की क्लास। आज जिस टॉपिक पे हमारी नजर होगी, अभी से लेकर जब तक हमने क्लास को खत्म नहीं किया है तब तक हम माइक म्यूट करो, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या मैं कंसेप्ट डालने की कोशिश कर रहा हूं। हम जिस टॉपिक पे आज बात करेंगे वो टॉपिक बेसिकली गणेश, माइक म्यूट करो गणेश। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बेसिकली कार्ड हमारी टॉपिक होगी। जितने भी कार्ड आप यूज करते हैं, नाम सुना होगा आपने ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, कभी आपने नाम सुना होगा क्रेडिट कार्ड, रुपे कार्ड है, वीजा कार्ड हम यूज करते हैं, मास्टर हम कार्ड यूज करते हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड हम यूज करते हैं। हमने ब्राउन लेवल ATM की बात बताई, हमने व्हाइट लेवल ATM की बात बताई है ना, प्रीपेड कार्ड की बात करते हैं, पोस्टपेड कार्ड की बात करते हैं, प्लास्टिक कार्ड की बात करते हैं, चीवर कार्ड, वर्चुअल कार्ड, गिफ्ट कार्ड तक की बात करते हैं। तो ये जो सारे कार्ड हैं, इस कार्ड से सिर्फ उतने ही फैक्ट को हम कवर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन का एक मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ध्यान से सुने, जितने भी कार्ड आपने आज तक देखे हैं उस कार्ड को जिस नाम से हम जानते हैं वो नाम है PLASTIC, प्लास्टिक कार्ड। ठीक है, जितने भी कार्ड आपने आज तक सुने देखे अभी तक मैंने आपको बोला, वो सारे के सारे कार्ड एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक कार्ड। मतलब ये समझ जाएं कि ये बाबा हैं, ग्रैंडफादर हैं, सारे कार्ड इसी के नीचे होंगे, प्लास्टिक कार्ड। प्लास्टिक कार्ड बेसिकली हम उन कार्डों कहते हैं जहां पे हार्ड कैश में ना बातें करते हुए हमने स्वैप किया, काम खत्म हो गया, हमने उसका नंबर डाला, ट्रांजेक्शन हो गया। तो जहां पे हार्ड कैश की जरूरत नहीं पड़ती है, हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उस कार्ड को हमने प्लास्टिक कार्ड का नाम दिया है। इस प्लास्टिक कार्ड को फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं कि साहब ये ऐसा प्लास्टिक कार्ड है जो क्या है तो प्रीपेड है, और दूसरे को बोलते हैं कि एक ऐसा प्लास्टिक कार्ड है जो क्या है तो प्रीपेड नहीं है, इस कार्ड से क्या है तो पोस्टपेड है। तो एक को हमने बोला प्रीपेड कार्ड और दूसरे को हमने बोला पोस्ट।
प्रीपेड का मतलब तो आप समझोगे कि आपका मोबाइल प्रीपेड है, पहले पैसा आप डालते हैं, फिर उसमें बैलेंस आता है, फिर आप बात करते हैं, तो वो प्रीपेड कार्ड हो गया। दूसरा पोस्टपेड, पहले आप बात कर लेते हैं, फिर बिलिंग आती है, फिर आप उसका पेमेंट करते हैं, तो वो पोस्टपेड हो गया। तो यहां पे प्रीपेड का जो टैगलाइन है वो ये है, यूज नाउ, अभी यूज कीजिए उस कार्ड को, यूज नाउ एंड पे नाउ। तो अभी यूज कीजिए साहब, अभी पैसे भरिए, इज द टैगलाइन, पंच लाइन ऑफ ऑल प्रीपेड कार्ड्स। वेयर एज पोस्टपेड कार्ड का नाम क्या होगा, तो अभी तो आप यूज कर लो, यूज नाउ कॉमा पे नाउ, नहीं होके क्या होगा, तो लेटर। हमने क्रेडिट कार्ड से मोबाइल परचेज कर लिया और एक महीने के बाद उसमें हमने क्रेडिट कार्ड में पैसे डाल दिए, तो क्या हो गया, यूज तो हमने अभी किया बट पे हम लेटर कर रहे हैं, तो वो पोस्टपेड कार्ड होगा। तो ऑल टाइप्स ऑफ डेबिट कार्ड, जितने भी डेबिट कार्ड होंगे वो क्या होंगे, तो आपके प्रीपेड कार्ड होंगे, और जो भी क्रेडिट कार्ड होगा वो क्या होगा, तो पोस्टपेड कार्ड होगा। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। सर आप लेफ्ट साइड में ज्यादा जा रहे हैं सर, स्क्रीन के बाहर। इधर भाई, लेफ्ट साइड, डेबिट साइड, डेबिट साइड वाला। अच्छा डेबिट ना। हाँ यस, ठीक है ठीक है। इसका आंसर, मैंने भी लैपटॉप लगा रखा है स्क्रीन देखने के लिए कि कुछ ऐसा ना लिख दूं जो आपको दिखे ही नहीं। इसको डेबिट समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। जो भी डेबिट कार्ड, जो भी डेबिट कार्ड होंगे वो आपके प्रीपेड कार्ड होंगे, जो भी क्रेडिट कार्ड होगा वो आपका पोस्टपेड कार्ड होगा। फर्दर इस डेबिट कार्ड को हम क्या करते हैं, तो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं कि ये साहब हमारा डब्ल्यू एल ए है, और दूसरे को बोलते हैं ये जो हमारा है वो क्या है, तो बी एल ए है। अब ये WLA क्या हो गया, तो WLA का फुल फॉर्म हो गया कि ये हमारा क्या है, तो व्हाइट लेबल ATM है। व्हाइट लेबल ATMs, ATM का फुल फॉर्म लास्ट क्लास भी मैंने आपको बताया था, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और ये W की जगह B है, तो B का मतलब ब्लैक नहीं है, दैट इज ब्राउन लेबल ATMs। इतनी बात पहले आप पेन डाउन कीजिए, फिर आगे आपको ले चलता हूं। पहले ये ग्राफ बनाए, सबसे ऊपर में बाबा का नाम लिखें, प्लास्टिक कार्ड, फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट, प्रीपेड एंड पोस्टपेड। पंच लाइन ऑफ प्रीपेड कार्ड इज यूज नाउ पे नाउ, पंच लाइन ऑफ पोस्टपेड कार्ड यूज नाउ पे लेटर। द एग्जांपल ऑफ प्रीपेड कार्ड इज डेबिट कार्ड, द एग्जांपल ऑफ पोस्टपेड कार्ड इज क्रेडिट कार्ड। फर्दर डेबिट कार्ड डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट, WLA एंड BLA। द फुल फॉर्म ऑफ WLA इज व्हाइट लेबल ATMs एंड BLA ब्राउन लेबल ATM। इसको लिखें पहले आप, जब लिख लें तो आप में से कोई बोलिए कि लिख लिया सर हमने। अभी दिख रहा है ना बराबर? हाँ सर। हो गया सर। हटाऊं क्या? यस सर। एक मिनट सर। रुको रुको सर। प्रीपेड पोस्टपेड, यूज नाउ पे नाउ, डेबिट कार्ड, WLA BLA। अभी सुने कि हमारे ब्राउन लेवल ATM और व्हाइट लेवल ATM में क्या अंतर है। जब तक मैं टॉपिक खत्म ना करूं तब तक कोई भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन मत पूछिएगा। जब तक टॉपिक खत्म होगा संभवतः 70% कंफ्यूजन के आंसर आपको मिल जाएंगे। जब टॉपिक खत्म करूंगा उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपके पास जुड़े हुए हैं तमाम क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे WLA, फुल फॉर्म इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड हम क्या लिखेंगे, BLA ब्राउन लेवल ATM। माइक जिनका ऑन है ऑफ कीजिए, माइक ऑफ करो।
लेफ्ट हैंड साइड लिखिए डब्ल्यू एल ए, राइट हैंड साइड लिखिए बी एल ए, फुल फॉर्म जरूर लिखें। ये है व्हाइट और ये क्या है तो ब्लैक है ना, ब्राउन, ब्राउन लेबल एटीएम, वेरी गुड। तो बी एल ए एंड डब्ल्यू एल ए, देखिए अभी सुने क्या मैं बोल रहा हूं, जितने भी कार्ड आपके पर्स में हैं, आपके साथ हैं, अगर वो कार्ड आपने बैंक में अकाउंट खोले हैं और बैंक वाले ने आपको दिया है, फिर से बोल रहा हूं, कोई भी कार्ड जो आपके पास इशूड है बैंक के द्वारा इशूड है, चाहे वो बैंक के गवर्नमेंट बैंक, नेशनलाइज बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक, इन तमाम बैंकों के द्वारा दिया हुआ कार्ड जिस नाम से हम जानते हैं वो नाम है ब्राउन लेवल एटीएम। यहां पे हम क्या लिखेंगे, इशूड बाय, कौन इशू करेगा, इशूड बाय बैंक, कोई भी बैंक हो, एग्जाम्पल मैंने दे दिया, जितनी भी बैंक भारत में है, किसी भी कैटेगरी, किसी भी सेगमेंटेशन के बैंक होंगे वो आपको ब्राउन लेवल एटीएम देंगे। लेकिन फिर ये व्हाइट लेवल एटीएम क्या है, तो ये व्हाइट लेवल एटीएम वो ऑर्गेनाइजेशन इशू कर सकती है जो बैंक है लेकिन बैंक नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, बैंक है लेकिन बैंक नहीं है, इसका मतलब क्या है, तो व्हाइट लेवल एटीएम सिर्फ और सिर्फ वही इशू करेगा जो एनबीएफसीज है। द फुल फॉर्म ऑफ एनबीएफसी इज नॉन बैंकिंग, क्या लिखूं आगे, फाइनेंशियल कंपनी, कंपनी कॉर्पोरेशन, कमिटी, काउंसिल, कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ही होगा, सिर्फ और सिर्फ कंपनी, क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंदर हम एनबीएफसी को एस्टैब्लिश करते हैं। तो एनबीएफसी जो एटीएम आपको देगी वो व्हाइट लेवल एटीएम होगा, बैंक जो आपको एटीएम देगी वो ब्राउन लेवल एटीएम होगा। दूसरी बात, ब्राउन लेवल एटीएम खोलने का अधिकार की बैंक को है, बैंक खुद ही शायद सर वॉइस, सर वॉइस ब्रेक हो रहा है, सर वॉइस ब्रेक हो रहा है, सर तो एटीएम की जो परमिशन है वो आईआई से हो रहा है सर, बट आईआई इन हेलो हेलो वॉइस ब्रेक हो रहा है, आवाज नहीं आ रही क्या सर, ब्रेक हो रहा, ब्रेक हो रहा है सर स्टार्टिंग से, सर कुछ भी नहीं सुना सर, ब्रेक हो गया, नहीं आ रही सर वॉइस ही नहीं सुन रहा, नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही सर आवाज, बाबा अभी आई, बोर आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है ना, अभी हाँ अभी आ रहा है, चलो ठीक। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ब्राउन लेवल एटीएम खोलने का अधिकार चूंकि बैंक को है, बट बैंक को आरबीआई को ये बताना पड़ता है कि उन्होंने ये एटीएम खोला है, तो आरबीआई का डायरेक्ट कोई हस्तक्षेप नहीं है, इस कारण से आरबीआई तो इन्वॉल्व होगी, लेकिन कैसे इन्वॉल्व होगी, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होगी। ब्राउन लेवल एटीएम में क्या होता है, तो यहां पे होता है कि आरबीआई जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती, आरबीआई इन्वॉल्व डायरेक्टली, आवाज आ रही है ना, Yes, sir. हाँ, तो जो व्हाइट लेवल एटीएम है, क्योंकि बैंक रेगुलेट कौन करता है, देखिए बैंक एंड एनबीएफसीज दोनों को लाइसेंस आरबीआई ही देती है, दोनों मनी मार्केट का पार्ट है, बिना लाइसेंस के दोनों काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बैंक जब एटीएम ओपन करेगी तो इनडायरेक्टली आरबीआई उसमें इन्वॉल्व होती है,
क्योंकि बैंक बताती है कि हमने ये एटीएम खोल दिया है भाई साहब, लेकिन जो एनबीएफसी है वो पहले परमिशन लेगी आरबीआई से कि मुझे इस जगह पे एटीएम खोलना है, फिर परमिशन मिलेगा फिर वो एटीएम खोल सकती है। इस कारण से जो व्हाइट टेबल एटीएम्स हैं उसमें आरबीआई डायरेक्ट इन्वॉल्व होगी। क्लियर यहां तक? यस सर। नो लोगो ऑफ बैंक स्लैश एनबीएफसीज। आवाज आ रही है ना? यस सर। लोगो ऑफ बैंक एग्जिस्ट, यहाँ पे आपको कोई भी बैंक का लोगो नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पे सिर्फ लिखा रहेगा सो एंड सो व्हाइट टेबल एटीएम। यहाँ पे चूंकि बैंक हो गई, इस कारण से स्टेट बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, उनकी लोगो आपको उस एटीएम पे दिखेगी। चौथी जो बात है कि फर्स्ट एनबीएफसी कौन सी थी, तो टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन वॉज द फर्स्ट एनबीएफसी इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट WLA इन 2014, HSBC 1987। सिर्फ ये चार बातें आपको व्हाइट टेबल और ब्राउन लेवल में याद करनी है। पहली बात यह है, ब्राउन लेवल को नहीं भी याद कीजिएगा काम चल जाएगा, बट व्हाइट लेवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बड़ी बात यही इंपॉर्टेंट है कि व्हाइट लेवल एटीएम कौन इशू करेगा, तो ऑलवेज एंड ऑलवेज एनबीएफसी। दूसरी बात कि आरबीआई इन्वॉल्व होगी, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्व होगी। तीसरी बात, किसी भी बैंक, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी लोगो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। और चौथी बात, पहली वो कौन सी एनबीएफसी थी जिसने इंडिया में पहले WLO को एस्टेब्लिश किया, तो उसका नाम था टाटा कम्युनिकेशन, जिसने इंडिया में पहली WLA मशीन को एस्टेब्लिश किया इन द ईयर 2014। और भारत में पहली बार जिस बैंक ने आपके एटीएम मशीन को एस्टेब्लिश किया, उसका नाम था HSBC बैंक, फॉरेन बैंक है ये, और वो ईयर था 1987। इतनी बात आप लिखें। आवाज आ रही है ना? थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू चल रहा है मुझे लग रहा है। आ रही है सर। ठीक है, इतनी बात लिखो, व्हाइट लेबल और ब्राउन लेबल में अंतर, डिफरेंस बिटवीन व्हाइट लेबल एंड ब्राउन लेबल एटीएम। यह है व्हाइट लेबल, यह है ब्राउन लेबल। जनरली ब्राउन लेबल से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, हमेशा क्वेश्चन व्हाइट लेबल से ही पूछा गया है। एक और फैक्ट मैं मिस कर रहा हूं संभवतः, FDI व्हाइट लेबल एटीएम में 100% है। FDI लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाइट लेबल एटीएम में कितने परसेंट? 100% सबसे नीचे लिखा है। संभवतः देखने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, बट प्लीज पेन डाउन फिफ्थ डिफरेंस, FDI 100% इन WLA, whereas private bank 74% and government bank 26%. This figure is very very important. FDI की limit private bank में 26% है, 74% है, government bank में 26% है, but जो WLA होगी उसमें 100% FDI allotment है। पूरा का पूरा पैसा बाहर के देश से आ सकता है। एक बार हो जाए तो मेरे को बताएं। एनबीएफसी का फुल फॉर्म जरूर लिखिएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी हम उसे बोलते हैं, बैंक से अलग है। आज एक बैंक आपको खोलना है तो मिनिमम जो पेडअप कैपिटल चाहिए वो 500 करोड़ चाहिए, लेकिन एनबीएफसी खोलना है तो मिनिमम पेडअप कैपिटल सिर्फ 2 करोड़ रुपए आपको चाहिए। ये सारी बात मैं बैंक और एनबीएफसी का डिफरेंस जब बताऊंगा तो वहां पर बताऊंगा ही, लेकिन फिर भी एक बार ओवरलुक आपको दिए चलता हूं क्योंकि ये सामने आया है। तो इन चीजों का आप जानिए। WLA का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाइट टेबल एटीएम। एनबीएफसी देगी, कोई भी लोगो बैंक का नहीं होगा, आरबीआई डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी। 2014 में टाटा कम्युनिकेशन पहली वो एनबीएफसी थी जिसने पहला WLA इंट्रोड्यूस किया था, और आज के डेट में इस WLA को अगर एस्टेब्लिश करना है तो पूरा का 100 रुपया हम बाहर के देश से मंगवा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड FDI,
लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट बैंक की बात आएगी तो सिर्फ 74 रुपया मंगा सकते हैं और गवर्नमेंट बैंक में ये जो अलॉटमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ 26 रुपीज है। सर लास्ट वाला पॉइंट क्या है? किधर, इधर या इधर, लेफ्ट या राइट? राइट। हाँ इधर लिखा है, इधर मैंने पांचवा फैक्ट लिखा है एफडीआई 100% और इधर लिखा है एफडीआई इन प्राइवेट बैंक 74% एंड इन गवर्नमेंट बैंक 26%। हेलो सर, फोर्थ वाला पॉइंट क्या लिखा है? टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन वाज़ द फर्स्ट एनबीएफसी इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट डब्ल्यूएलए इन 2014। क्या लिखा हमने? टाटा कम्युनिकेशन वाज़ द फर्स्ट एनबीएफसी इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट डब्ल्यूएलए इन 2014 एंड द फिफ्थ फैक्ट इज एफडीआई इन डब्ल्यूएलए इज 100% व्हेयरएज जो अदर कंपैरेटिव पार्ट है उसमें लिखा है एफडीआई इन प्राइवेट बैंक 74% एफडीआई इन गवर्नमेंट बैंक 26% एंड आपके एटीएम की शुरुआत जिस बैंक ने आपके इंडिया में की थी वो एक फॉरेन बैंक थी, जैसे टाटा कम्युनिकेशन एनबीएफसी थी डब्ल्यूएलए को देने वाली, वैसे एचएसबीसी बैंक 1987 में पहली वो बैंक थी जिसने एटीएम कार्ड की शुरुआत की थी। पूछो पूछो, किसी का छूट गया है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए। कोई क्वेश्चन नहीं? हेलो सर, बोलो बोलो। लास्ट पॉइंट का मतलब क्या होता है? लास्ट पॉइंट किधर से मैडम वो बताइए, आप खुद बोलिए, मैं उसका मतलब बताता हूँ आपको। एफडीआई 100% एफडीआई यही ना? यस सर, मैं तो 100% कौन सा फिर से बोलो, क्या बोला, नहीं समझ में आया। देखो जैसे टाटा कम्युनिकेशन, हम कहते हैं ना कि हमारे पास पहला एटीएम शुरुआत कब हुआ, तो हम बोलते हैं हमारे पास जो पहला एटीएम शुरुआत हुआ वो 1987 में हुआ, 1987 में हुआ। कौन से बैंक ने पहला एटीएम एस्टेब्लिश किया? तो उस बैंक का नाम था एचएसबीसी, फुल फॉर्म है हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन, लेकिन फुल फॉर्म नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। तो HSBC was the first bank introduced first ATM in India in 1987. India समझ में आया क्या? हाँ जी, इंडिया का पहला ATM कब और किसने शुरुआत किया? जैसे इंडिया का पहला WLA टाटा कम्युनिकेशन से शुरुआत किया 2014 में, वैसे ही इंडिया का फर्स्ट एटीएम जो ब्राउन लेवल एटीएम होगा वो एक बैंक के द्वारा शुरुआत किया गया, उस बैंक का नाम था एचएसबीसी और ये काम 1987 में शुरुआत किया गया है। सर लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है एफडीआई इन प्राइवेट सेक्टर बैंक 74% एंड इन गवर्नमेंट बैंक 26%। सर लोगो बैंक उसके बाद क्या लिखा है? नो लोगो ऑफ बैंक एग्जिस्ट, थर्ड पॉइंट ना एनबीएफसी में, बीएल में ब्राउन। हाँ लोगो ऑफ बैंक एग्जिस्ट, वहां पे बैंक का लोगो मिलेगा, आप जाइएगा बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में तो आपको वो साइनिंग सन का फोटो मिलेगा, स्टेट बैंक में जाइएगा तो वो सर्कल वाला फोटो आपको मिलेगा। तो बैंक के द्वारा जो एटीएम एस्टैब्लिश होगा उसमें लोगो दिखेगा बैंक का, लेकिन एनबीएफसी किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है ये नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ वो मशीन दिखेगा आपको। सर लेफ्ट साइड वाला लास्ट पॉइंट क्या है? एफडीआई 100% डब्ल्यूएलए लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट एफडीआई कितना परसेंट है, तो 100% है। सर एचएसबीसी फॉरेन बैंक है ना, तो कौन से इंडियन बैंक ने स्टार्ट किया? जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सिर्फ उन्हीं का माइक ऑन रखिए, बाकी का माइक ऑफ रखिए। हाँ बोलो, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं माइक ऑन कीजिए, पूछिए क्वेश्चन। सर एचएसबीसी 74% गवर्नमेंट 26 मतलब क्या? ओके देखो अभी क्या है, मेरी स्क्रीन, मेरी जो दूसरी स्क्रीन है वो दिख रही है? ऊपर में ड्रैग करो, दिखेगा? हाँ सर दिखेगा, दिख रहा है ना। चलो जब तक आपके साथ डिस्कशन करता हूं तब तक यहीं पे चलता हूं। एफडीआई का क्या मतलब होता है वो सुनो,
मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आज मुझे एक कंपनी खोलनी है, उसके लिए सपोज पेड अप कैपिटल, मतलब मेरी खुद की कैपिटल चाहिए 5 करोड़ रुपए, तो ये 5 करोड़ रुपया मैं सिर्फ हिंदुस्तान के इंसान या बैंक से ही मांग सकता हूं। लेकिन अगर गवर्नमेंट बोलती कि आप इस कंपनी में कुछ पैसा बाहर से भी लगा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड FDI, द फुल फॉर्म ऑफ FDI इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब तक गवर्नमेंट ये अलाउ नहीं करेगी कि आपके इस सेक्टर में आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, तब तक हम लीगली नहीं ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट की अलग अलग सेक्टर है, उस अलग अलग सेक्टर में गवर्नमेंट ने अपने अलग अलग परसेंटेज को डिवाइड कर रखा है। जैसे आप टेलीकम्युनिकेशन कोई अगर जियो शुरुआत करना चाहता है और उसको 5 करोड़ रुपए चाहिए, तो फॉरेनर का कोई भी इंसान 5 करोड़ रुपए यहां पर देकर शुरुआत कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस गवर्नमेंट ने बोल दिया 100% FDI है। वैसे ही अगर किसी इंडिविजुअल यहां पे किसी व्यक्ति को WLA की शुरुआत करनी है और कोई व्यक्ति US में बैठा हुआ है, वो कहता है कि मैं पैसा लगाने के लिए तैयार हूं, तो 100% वो पैसा वहां से हम US ले सकते हैं। दिस इज कॉल्ड लिमिट। लेकिन अगर HDFC बैंक है, वो एक प्राइवेट बैंक है, तो 100 का 100 रुपीज नहीं ले सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कैप लगा रखा। गवर्नमेंट क्या बोलती है, हम सिर्फ 74 रुपए ही आपको बाहर से लेने देंगे, बाकी जो 26 रुपए होगा वो आपको यही की पब्लिक, यही पे IPO, यही के स्टॉक से आपको लेना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड लिमिट ऑफ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। समझ में आया या ऊपर से बह गया? सर HSBC फॉरेन कंपनी है ना? HSBC कंपनी नहीं है, HSBC बैंक, सॉरी HSBC फॉरेन बैंक है। हाँ, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम BLA का BLA ATM स्टार्ट किया, तो कौन से इंडियन बैंक ने फर्स्ट टाइम इशू किया? हाँ, ये तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है, जिसकी बात हम करेंगे। 1993 में इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन इसकी बात हम जब फर्स्ट इन बैंक की बात करेंगे तो वहां पे करेंगे। ओके सर, है ना? अभी अगर दोनों बैंक का नाम लिखा दो, दोनों कंफ्यूजन आ जाएगा। Okay. तो उस समय हम बताएंगे फर्स्ट इंडियन बैंक कौन थी, फर्स्ट फॉरेन बैंक कौन था, फर्स्ट बैंक इन इंडिया के नाम से वो टॉपिक ही आपका है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे सिर्फ एक बैंक को याद करिए, किस बैंक ने पहली बार हिंदुस्तान में ATM की शुरुआत की, वो छोड़ दीजिए इंडियन है कि प्राइवेट है कि फॉरेन है, वो फर्स्ट बैंक की जब हम बात करेंगे टॉपिक के अंदर, वहां पर स्पष्ट आपको उस बैंक का नाम देखने को मिलेगा। आगे बढ़ूं कि आज बढ़ने नहीं दीजिएगा? सोच के आए हैं आप सर, WLA का एक्चुअल मतलब कि यूज नॉर्मल पब्लिक के लिए कैसा रहता है? वेरी गुड क्वेश्चन। चलो अब बोर्ड पे आता हूं थोड़ा सा। अभी मेरे को ये बताओ, हमारी कितनी परसेंट पॉपुलेशन गांव में रहती है? अंदाज, एक आंकड़ा। More than 60%, मतलब 63% ऑफ पॉपुलेशन इज स्टिल लिविंग इन रूरल एरिया। आप खुद देखिए, खुद महसूस कीजिए, क्या आपके गांव में बैंक है? बैंक की बात कर रहा हूं, ATM की बात नहीं कर रहा हूं। क्या आपके गांव में बैंक है? अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है, बहुत ही छोटा गांव है, तो वहां पर संभवतः बैंक नहीं होगा आपका, और बैंक नहीं होगा तो ATM भी नहीं होगा आपका, है कि नहीं? Yes. Yes, sir. तो देखो, महाराष्ट्र तो थोड़ा सा डेवलप है, इस कारण से महाराष्ट्र थोड़ा सा डेवलप है, इस कारण से हो सकता है कि आपके गांव में आपको मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, वहां पे आप गांव में जाइएगा तो 4-5-6-7 गांव मिलके एक ATM, एक बैंक होते हैं। इवन की मेरी जो पहली पोस्टिंग 2010 में थी नासिक में, वहां पे 6 गांव मिला के एक ATM था। तो सोच सकते हैं, अगर नासिक सिटी की ये कंडीशन है, तो उत्तर प्रदेश या राजस्थान जैसा बड़ा क्षेत्रफल वाला जो आपका स्टेट है, वहां पे गांव कैसे होंगे? वहां पे अगर मैंने अपने फादर को, ध्यान से सुनिएगा कंसेप्ट ऑफ WLA, ध्यान से सुनिए, मेरे फादर बिहार में रहते हैं, मैंने अपने फादर को गांव में 5,000 रुपया मंथ एक महीने के लिए भेजा। अभी उनके पास क्या है, तो ATM नहीं है, क्योंकि बैंक ही नहीं है, तो वो शहर में आते हैं, शहर से फिर वो अपना काम क्या करते हैं, तो पैसा निकालते हैं, फिर चले जाते हैं। अभी 5,000 रुपया निकालने के लिए देखिए मेरे पापा क्या कर रहे हैं। मैंने 5,000 रुपया उनको शहर के बैंक के ATM, शहर के बैंक के अकाउंट में भेजा। उन्होंने अपना काम धंधा छोड़ के, क्योंकि एक दिन में वो कुछ ना कुछ तो काम करते, मान लीजिए अगर फार्मर होते तो 300 रुपया का काम करते,
तो उनकी एक दिन की प्रोडक्टिविटी मैं बहुत लोअर बेंचमार्क से ले रहा हूं कि अगर फार्मर है तो कम से कम, अगर मजदूर है तो कम से कम एक दिन में 300 रुपए का तो कमाई करते। वो कमाई ना करके छोड़ के, अपने गांव को छोड़ के शहर आ रहे हैं, तो उनका जो अपॉर्चुनिटी लॉस है वो कितने रुपए का है? 300 रुपए का है। अगर वो काम किए करते 300 रुपए तो कम से कम आते। शहर से गांव से शहर आ रहे हैं तो कम से कम 20 रुपए तो भाड़ा होगा, किराया होगा, 20 रुपए मैं मान के चल रहा हूं। अभी शहर आए हैं तो फिर शहर से वापस भी तो जाएंगे, तो फिर से 20 रुपया तो देंगे उस तांगे वाले, जीप वाले, ट्रैक्टर वाले को। तो 20 रुपया आना, 20 रुपया जाना। अभी शहर आए हैं, कुछ तो खाने के लिए चाहिए ना, तो 20 रुपया का उन्होंने खाना भी खा लिया, हो कितना गया, तो 300 रुपया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 20 60 रुपया उनका खर्च हो गया। मतलब 360 रुपया खर्च हो गया 5000 रुपए को निकालने में। और जब वापस जा रहे थे तो ये भी डर था कि शाम हो गया, ये 5000 रुपया कोई छीन नहीं ले, होता है ना गांव में डर, कोई चोरी तो नहीं कर ले। तो ये 5000 रुपए को निकालने के लिए साहब हमने 360 रुपए खर्च कर दिया। इसकी जगह आरबीआई ने बोला कि बैंक नहीं भी है फिर भी एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस गांव में जाके एटीएम लगा सकती है, आप पर ट्रांजेक्शन 20 रुपए चार्ज कर दो। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? यस सर। आप पर ट्रांजेक्शन 20 रुपए चार्ज कर दो। तो जहां पे मेरे पापा रिस्क को इन्वॉल्व करते हुए आ रहे थे, मान लीजिए तांगा अगर खराब हो जाए रास्ते में तो वहीं पर रह जाएंगे रात भर, तो वो 360 रुपए खर्च ना करते हुए अगर सिर्फ 2 मिनट में 20 रुपए आपको देना पड़ रहा है और 5000 रुपए आप निकाल रहे हैं, इससे अच्छी बात कुछ हो सकती है क्या? दीज आर द ओनली रीजंस व्हाई आरबीआई गिव अ लाइसेंस टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लाइक एनबीएफसीज टू एस्टैब्लिश देयर एटीएम्स। द एटीएम्स आर कॉल्ड व्हाइट लेबल एटीएम्स। समझ में आया? यस सर। बाकी की जनता सो गई क्या? कोई एग्जांपल दो ना व्हाइट लेबल एटीएम का, मतलब एनबीएफसी का। सर प्राइवेट बैंक रूरल एरिया में बैंक एटीएम नहीं लगा सकती, या लगाएगी तो चार्ज लेगी वो। क्यों? अब बाबा मैंने क्या बोला कि अगर बैंक का वो एटीएम होगा तो सिमिलर सा एटीएम होगा जो आप मुंबई में यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर डब्ल्यूएलए होगा तो वो चार्जेबल एटीएम हो जाएगा। समझ में आया? ओके सर। ओके ओके। कोई भी एटीएम कहीं भी लगा सकता है, लेकिन अगर बैंक लगा रही है इसका मतलब बैंक उसमें इन्वॉल्व है, और बैंक में बैंक वाले जाके उसमें पैसे भर रहे हैं, उसका डिस्पेंसर खाली कर रहे हैं, कहां पे पैसा फंस गया, किसका पैसा नहीं पहुंचा, तो वो चीजें बैंक का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। डब्ल्यूएलए में ये इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस कारण से जहां बैंक होगी वहीं पे बीएलए होगा, जहां बैंक नहीं होगी वहां पे डब्ल्यूएलए आपको देखने को मिलेगा। चलो आगे। Yes, sir. तो सर WLO एक तो एक मशीन है ना, तो हम प्राइवेट बैंक के कार्ड से भी हम लोग WLO से मशीन से पैसा निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं? पैसा कहाँ से निकलेगा? पैसा तो आपके अकाउंट से ही निकलेगा ना। हाँ। तो कार्ड तो आपके पास वही रहेगा, सिर्फ मशीन चेंज हो गया। ऑल कार्ड, कोई भी कार्ड वो एक्सेप्ट करेगा? कोई भी कार्ड एक्सेप्ट करेगा, क्यों नहीं करेगा? ओके सर। उसका चार्जेस लेगी मशीन? अभी सुनो, अभी मैंने बोला ना कि जहां तक मैंने पढ़ाया है सिर्फ वहीं तक पूछने का, चार्जेस वगैरह नहीं पूछने का। अभी टॉपिक खत्म करने दो, ऑटोमेटिक सारी क्वेश्चन आपको आपके आंसर मिल जाएंगे आपको। आगे बढ़ो। यस सर। देखिए आपके पास जो कार्ड आज के दिन में है वो एटीएम कम डेबिट कार्ड है। एटीएम कम डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड का ये प्रॉपर्टी है कि यू कैन विड्रॉ योर मनी फ्रॉम एनी कोर बैंक एटीएम। फिर से बोलता हूं, डेबिट कार्ड का यह विशेषता यूएसपी है कि आप किसी भी बैंक, वैसी बैंक जो कोर की कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई है, मतलब सारे जो डेटा है वो एनएफएस के सहारे जो है वो एनपीसीआई के सीबीएस के प्लेटफॉर्म पे है, तो वहां से आप पैसे निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डेबिट कार्ड। इस डेबिट कार्ड में पैसे निकालने का कुछ प्रावधान है, आरबीआई ने कुछ क्या किया है तो रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दिए हैं हाल ही के दिनों में। रिस्ट्रिक्शन ये है कि इफ यू आर हैविंग डेबिट कार्ड ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को छोड़ के, ध्यान से सुने क्या बोल रहा हूं, आपके पास अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को छोड़ के एक महीने में 5 बार दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे फ्री ऑफ कॉस्ट निकाल सकते हैं. मीन्स यू कैन यूज योर डेबिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट इन अदर बैंक एटीएम फॉर 5 times. समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर. लेकिन ये जो छूट दी गई है ये भारत के 6 महानगरों को छोड़ के छूट दी गई है. एंड दिस 6 metropolitan cities आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे ये जो सीमा है ये 5 से घटके सिर्फ 3 बार है. मतलब आप अगर मुंबई में रह रहे हैं और आपके पास अगर बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड है तो बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन को छोड़ के आप दूसरे किसी भी एटीएम मशीन को महीने में सिर्फ 3 बार ही यूज कर सकते हैं. चौथी बार आप अगर यूज करेंगे तो आप निकालेंगे 1000 रुपए और आपके पास जो डेबिट स्लिप आएगी उसमें लिखा रहेगा विड्रॉल 1020. दिस 20 इज योर पेनल्टी. द 6 cities जहां पे ये पाबंदी 5 से घटकर 3 है वो आपकी 4 बड़ी महानगर है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई. 2 और आपको याद करना है, हैदराबाद एंड बेंगलोर. देयर आर 6 metropolitan cities वेयर द non-home branch withdrawal from ATM is reduced from 5 times to 3 times. तो आप मुंबई में कितनी बार दूसरे बैंक के ATM को यूज़ कर सकते हैं? 3 times. मैं क्वेश्चन क्या पूछा उस क्वेश्चन को सुने. मैं क्वेश्चन ऐसा ही पूछता ही नहीं हूँ, मेरे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा वेटेज होता है. मैं पूछ रहा हूँ आप मुंबई में अपने अपने बैंक के ATM को छोड़ के दूसरे बैंक के ATM कितनी बार यूज कर सकते हैं एक महीने में? 5 times. 5. 4 times. 4 times. क्वेश्चन रिपीट करो सर एक बार. सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए. करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ. मैं बोल रहा हूँ यूज़ कर सकते हो, पेनल्टी लगेगी. अच्छा ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूँ आप अपने एटीएम, आपकी जो बैंक की एटीएम है उस एटीएम को छोड़ के मुंबई में कितनी बार दूसरे बैंक के एटीएम को एक महीने में यूज कर सकते हैं? 5 times. मैंने क्वेश्चन में तो ये बोला ही नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी बार, तो ये 5 बार 3 बार क्यों बोल रहे हो भाई? मैं जब तक ना बोलूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी बार कर सकते हैं तब तक ये 5 नहीं एप्लीकेबल होगा 3 नहीं एप्लीकेबल होगा. आप कितनी बार भी निकाले क्या मतलब है, बैंक को 20-20 रुपए आप पेनल्टी दिए जा रहे हैं. लेकिन फ्री ऑफ ओनली 3 times अदर योर होम एटीएम यू कैन यूज. कंसेप्ट मेरे को बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो 10 बार बोलूंगा ये, क्योंकि तो यही क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछा जाता है, यही पूछा जाएगा. सर फिर से बोलो, आपके पास कौन सा बैंक का एटीएम है वो बताओ. एसबीआई, स्टेट बैंक. चलो तो स्टेट बैंक का अगर एटीएम कहीं लगा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है स्टेट बैंक एटीएम, उसमें आप जा रहे हो आ रहे हो तो उसकी बात हम कर ही नहीं रहे हैं. हम बात कर रहे हैं अगर आप कहीं गए, बोरीवली गए, वहां पर स्टेट बैंक का एटीएम आजू बाजू नहीं है, आपको पेमेंट करना है, तो आप एक बार कहा क्या कहिए, एचडीएफसी निकाल लिया, दूसरी बार आईसीआईसी से निकाल लिया, तीसरी बार आपने बैंक ऑफ इंडिया से निकाल लिया, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट वाली सीमा खत्म हो गई एक महीने के लिए. चौथी बार आप निकाल सकते हैं बट 20-22 रुपए क्या होगी उसकी पेनल्टी होगी. इसी बात को मैं फिर से एक बार कहता हूं हिंदी में, फिर से एक बार कहूंगा इंग्लिश में, ध्यान से सुने. यू कैन यूज योर एटीएम इन अदर बैंक एटीएम मशीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन ए मंथ फॉर 3 times बिकॉज यू आर रिसाइडिंग इन मुंबई. Because Mumbai, along with another 5 cities, there are 6 cities where 5 transactions reduced by 3 transactions. That is 4 metropolitan cities. One is Hyderabad, and other is Bangalore. जहाँ पे ये 6 महानगर में जो 5 बार non-home bank की ATM को use करने की सीमा में छूट दी गई है, वो 5 से घटाकर 3 कर दी गई है. अभी समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes sir. Yes sir. Yes. Yes sir. पानी पीने दो भाई.
बोलो बोलो समझ में आया? किसी के साथ, आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ कि आपने एटीएम कार्ड डाला, मशीन की आवाज तो अंदर से आई लेकिन पैसा आपके हाथ में मिला ही नहीं और आपके पास एक मैसेज आ गया, योर अकाउंट इज डेबिटेड विद सो एंड सो रुपीस एंड करंट बैलेंस इज सो एंड सो। किसी के साथ ऐसा हादसा हुआ? नहीं सर। हुआ है। क्या हादसा हुआ बताओ भाई, उस इतिहास को रिपीट करो जरा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर 10,000 rupees विड्रॉ करने का था। हाँ, मतलब मशीन से पैसा नहीं निकला लेकिन मैसेज आ गया। लोग ध्यान से सुने, यहाँ पे क्वेश्चन छुपा हुआ है आपका। हाँ बोलो बोलो। मशीन से पैसा नहीं निकला लेकिन मैसेज आया 10,000 विड्रॉ हो गए और बैलेंस क्या किया आपने? 10,000 बैलेंस माइनस करके अकाउंट बैलेंस दिखाया। अबा फिर बाहर में जो कुर्सी लगा था वहीं बैठ गया क्या? नहीं सर, मैंने मतलब पूछा वॉचमैन को कि ऐसा क्यों हुआ, तो बोलते हैं सिस्टम का प्रॉब्लम रहेगा, ऑटोमेटिकली पैसा 24 आवर्स में आपके अकाउंट में आ जाएगा। फिर क्या हुआ? सडनली हाफ आवर्स में पैसा आ गया। ओके, और किसी के साथ ये दुखद घटना हुई? नहीं सर। नहीं, दिस इज कॉल्ड अमाउंट डेबिटेड कैश नॉट विड्रॉल। अमाउंट डिडक्ट हो गया लेकिन आपको कैश विड्रॉल नहीं हुआ। उस कंडीशन में पहली बात तो मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ, फिर थ्योरेटिकल बताऊंगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगर कभी ऐसा आपके साथ होता है, अब तो बहुत रेयर हो गया, जिस समय एटीएम इम्पोज हुआ था उस समय बहुत ज्यादा ऐसे बातें होती, बट अभी भी अगर कभी ऐसा आपके साथ हो गया, डोंट वरी, बिंदास आप घर जा सकते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक विद इन 24 आवर वो पैसे रिवर्स हो जाते हैं 99% केस में। लेकिन अगर 1% केस में आपके पास पैसा वापस नहीं हुआ, मेरा एटीएम था बैंक ऑफ बड़ौदा का, मैं पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था एचडीएफसी बैंक में, मैं कंप्लेन कहां करूंगा? क्वेश्चन यही आपके एग्जाम से पूछा जाता है। मेरा एटीएम बैंक ऑफ इंडिया का, मैं पैसे निकाल रहा था एचडीएफसी के एटीएम से, मैं कंप्लेन एचडीएफसी बैंक में करूंगा या अपने बैंक में करूंगा? अपने बैंक में। बैंक ऑफ इंडिया। आंसर इज ओनली एंड ओनली योर बैंक। समझ में आया? एचडीएफसी बैंक से कोई मतलब नहीं है, वहां पर ऐसा नहीं कि बाहर में कुर्सी लगा रहता है, वो कुर्सी सिक्योरिटी गार्ड के लिए, आप उसमें मत विराजमान हो जाएगा। ठीक है, आपको अपने ही बैंक से मतलब है, आप अपने बैंक में कॉल करेंगे, आप अपना जो भी कंप्लेन है रजिस्टर कराएंगे। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, आज से क्लास की सबसे बड़ी बात, अगर 7 दिनों के अंदर ये पैसा नहीं आता है, विद इन 7 days अगर ये पैसा आपके पास नहीं आता है, बैंक विल पे ए पेनल्टी ऑफ ₹100 ऑन डेली बेसिस। आपके कंप्लेन रजिस्टर्ड करने के बाद से 7 working days के अंदर ये पैसा अगर आपके अकाउंट में वापस नहीं आता है, बैंक विल पे ए पेनल्टी ऑफ ₹100 ऑन डेली बेसिस। मतलब 7 दिनों के बाद, अगर उसके 3 दिनों के बाद पैसा आया, कितने पेनल्टी मिलेंगे आपको? 300। Okay. क्लियर? कोई डाउट नहीं अभी? नहीं। इस बात को हम लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड डेबिट कार्ड। बोलो सर, जब हमें एटीएम से हमने पैसे विड्रॉ किया बट हमें नहीं मिला, तो हम ऑन टाइम मतलब आफ्टर 24 आवर हम कंप्लेन करेंगे या फिर पेनल्टी मिलने बाद? आप कभी भी कंप्लेन कर सकते हो मैडम। देखो, अगर आपने पैसे निकालने की कोशिश किया, पैसा आपको नहीं मिला, तो आप ऐसा नहीं कि 24 आवर्स आप वेट कीजिए, आप इमीडिएट कंप्लेंट कर दीजिए। क्या उसमें कंप्लेंट करना, थोड़ी बैंक में जाना आपको, ऑनलाइन कंप्लेंट कीजिए, कॉल सेंटर फोन कीजिए, कंप्लेंट रजिस्टर, यू विल गेट योर टिकट नंबर, दैट्स इट, है कि नहीं? सर, और कभी मैंने 10,000 विड्रॉ करने गया लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ 5,000 ही मिला, तो उस पे क्या करेंगे हम लोग? और बाकी का 5,000 के लिए मैं कंप्लेंट करने जाऊं सर? आपके अकाउंट से डेबिट कितना हुआ भाई साहब? मैं डेबिट तो 10,000 करने का, मैसेज पे भी 10,000 है लेकिन कैश मुझे सिर्फ और सिर्फ 5,000 ही मिला। ऐसा दुनिया में कोई भी एटीएम नहीं होगा, ये नया इतिहास मत बनाओ अपने मन से। समझ गया?
ये तभी हो सकता है इन वर्स्ट केस, जिस केस में आपकी जो एटीएम के अंदर बॉक्सेस होते हैं, 200 रुपए का अलग डिनोमिनेशन का बॉक्स होता है, 500 रुपए का अलग होता है, 2000 का अलग होता है, तो अगर कोई कैश ऑफिसर 500 रुपए वाले बॉक्स में अगर 200 रुपए डाल दे तो ही ये कंडीशन हो सकता है, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, तो ऐसा कभी चाहे तो पैसा देगा आपको एटीएम, चाहे तो बिल्कुल नहीं देगा। ऐसा नहीं कि 2000 रुपए देगा फिर बोलेगा 10 मिनट के बाद आप ही हम 2000 रुपए देते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ओके सर। डेबिट कार्ड मैं क्या बता रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं कस्टमर सीयूएसटी लिखा है, मैं कस्टमर के लिए सीयूएसटी लिख रहा हूं। कस्टमर कैन यूज, मेरे साथ साथ लिखिए, कस्टमर कैन यूज हिज डेबिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट इन अदर बैंक एटीएम, इन अदर बैंक एटीएम फॉर 5 times इन अ मंथ। दूसरी बात नोट में हम लिखेंगे, दिस लिमिट रिड्यूस्ड फ्रॉम 5 to 3 times इन 6 metros, कौन कौन सा, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, लिखें। कस्टमर कैन यूज हिज डेबिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट इन अदर बैंक एटीएम फॉर 5 times इन ए मंथ। दिस लिमिट रिड्यूस्ड फ्रॉम 5 times to 3 times इन 6 metros। द मेट्रोज नेम इज रिटन लाइक दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद एंड बेंगलुरु। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर। एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं इसमें, ये जब हो जाए तो मेरे को बताइए। चेन्नई के बाद M4 लिखो, मीरा रोड, की मुंबई। मुझे क्या पता M4 क्या है, मुझे तो लग रहा है M4 मीरा रोड है। मीरा रोड किधर है? मुंबई। मेट्रोपॉलिटन क्या होते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मद्रास, तो हम नर्सरी से पढ़ते आए थे भाई, दो अलग हैं, वो मैंने पूरा नाम लिख दिया है, हैदराबाद एंड बेंगलोर। तो आप अपने शहर में देख लीजिए आप कितनी बार दूसरे बैंक के एटीएम को आप यूज करेंगे। किसी के साथ ऐसा हुआ जो निकाला 2000 लेकिन आपके जो स्लिप आते हैं उसमें आपको दिख रहा है कि 2020 रुपए, हुआ क्या किसी के साथ? नहीं सर। अच्छा, इसका मतलब अपने ही बैंक के एटीएम से पैसे आप निकालते हैं? घर के नीचे ही है सर अपना बैंक का एटीएम। अरे क्या बात है, फिर ऊपर उखाड़ के उसको ऊपर लेके आने का ना घर में? सर अगले दिन जेल में लूंगा ना। हाँ हाँ ये बात तो है, फिर ये नहीं बोलना कुणाल सर ने सिखाया था। चलो आगे। हाँ सर। नेक्स्ट, अमाउंट डेबिटेड कैश
नॉट रिसीव्ड. समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूं? अमाउंट एटीएम से कट गया लेकिन आपके हाथ में पैसा नहीं मिले. अमाउंट डेबिटेड, डेबिट का मतलब होता है कट जाना. कैश नॉट रिसीव्ड, कस्टमर नीड टू कंप्लेन, नीड टू कंप्लेन इन हिज हर ओन बैंक ओनली. सिर्फ अपने ही बैंक को आपको बताना है. ऐसा नहीं कि जिस बैंक से आप निकाल रहे हैं उसके कस्टमर को फोन लगाने लगेगा. ओन बैंक ओनली. इफ सर रिसीव्ड के बाद क्या लिखा है? इफ विदिन 7 working days वर्किंग डेज कैश, कैश नहीं अमाउंट, हेलो सर, हेलो सर, सर हेलो, हेलो सर, हेलो, आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रहा सर, सर योर वॉइस इज नॉट ऑन. सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा सर, नहीं दे सर आवाज, तुम तो नहीं आ रहा अभी भी सर, गायत्री कर रहा आवाज नहीं आ रहा. हेलो सर आवाज नहीं आ रहा है. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है.
अभी आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? नहीं सर अभी आ रही है। हाँ सर अभी आया। हाँ हाँ वो दो मिनट के लिए, एक मिनट होल्ड करो। कहां पे थे हम? इफ विद इन सेवन वर्क, आवाज आ रही है ना? हाँ सर। इफ विद इन सेवन वर्किंग डेज अमाउंट नॉट रिवर्स, बैंक विल पे पेनल्टी ऑफ रुपीज 100 ऑन डेली बेसिस। लिखें इसको, दो पॉइंट लिखा है, दो पॉइंट लिखें। किसी के पास कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि मैसेज में देख रहा था कि किसी ने क्या लिखा है, तो पूछो मेरे से क्या लिखा है। अमाउंट डेबिटेड कैश नॉट रिसीव, एक मिनट, अमाउंट डेबिटेड कैश नॉट रिसीव, कस्टमर नीड टू कंप्लेन इज इन हिज और हर ओन बैंक ओनली। सेकेंड इज इफ विद इन सेवन वर्किंग डेज amount not reversed, bank will pay a penalty of rupees 100 on daily basis. Puchho. Puchho, puchho. Koi question puch rahe the na mere se? Sir, sir, ye penalty customer ko bank dega na? Bilkul, bank dega customer ko. Kyunki RBI kehti hai ki 7 dino ke andar ye kaam kisi bhi condition mein hona chahiye. अगर 7 दिनों के अंदर नहीं हुआ तो कस्टमर का लॉस है, तो आप पेनल्टी दीजिए। ओके। और किसके पास क्या क्वेश्चन? और किसके पास कोई क्वेश्चन? आगे चल सर, 100 रुपीज डेली बेसिस मतलब वो कैसा देने दे, वो लेते हैं पेनल्टी? आपका क्लेम अमाउंट 800 रुपए है या 8000 रुपए है, फिर भी आपको जो पेनल्टी मिलेगी वो 100 रुपए ही पर हेड पर डे के हिसाब से मिलेगी। पर डे ओके, ठीक है सर। बोलिए। डेबिट कार्ड में अगर 3 बार यूज करने के बाद अगर चौथी टाइम ओन बैंक के बैंक में अगर करेगा तो चार्ज लगेगा क्या? देखिए, ओन बैंक की बात मैंने अभी तक आपके साथ की ही नहीं, क्योंकि अलग अलग बैंक की अलग अलग पैरामीटर है। कुछ बैंक ये कहती है कि 8 times फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने ही बैंक के ATM से विड्रॉ कीजिए। कुछ बैंक कहती है कि हमारी लिमिटेशन 5 times है, कुछ बैंक कहती है 12 times लिमिटेशन है। तो ये अलग अलग बैंक की अलग अलग बातें हैं, है ना। प्राइवेट बैंक कुछ ज्यादा आपको कम 6 ही बार ट्रांजेक्शन का लिमिट देती है। SBI कहती है 8 बार आप 1 महीने में मेरी ATM से यूज कर सकते हैं, 3 बार आप दूसरे बैंक के ATM को यूज कर सकते हैं। तो दिस लिमिट वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक। इस कारण से ये ना मैंने आपको बताया ना आपके बोर्ड पर लिख रहा हूं। सपोज आपको अपने बैंक का ढूंढना है, अपने बैंक की वेबसाइट पे आप देख लीजिए कि आपकी लिमिट आपके ही बैंक के ATM में कितनी बार है। ओके सर। बट जो कहते हैं ना एट पार रूल फॉर ऑल बैंक फॉर ऑल कस्टमर, तो ये RBI बनाती है, वो बनाया गया है अदर बैंक के ATM के लिए, अपने बैंक के ATM के लिए नहीं। तो जो अदर बैंक के लिए ATM के लिए एट पार फॉर ऑल कस्टमर्स एंड ऑल बैंक, वो मैंने आपको बता दिया है। 3 times ओके, ठीक है। थैंक यू सर। यस, आपकी जो ATM कार्ड है उस ATM कार्ड पे क्या लिखा हुआ मिलता है आपको? मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड या फिर क्या लिखा हुआ मिलता है आपको? मास्टर। आपको रुपए भी लिखा हुआ मिलता है, रुपए की बात हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ जाने की वीजा और मास्टर। वीजा एंड मास्टर दोनों अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, मतलब इंडियन बैंक्स को सिर्फ ये पेमेंट गेटवे देती है।
आप देखते भी होंगे कि आपकी जो एटीएम कार्ड है उसका एनुअल एटीएम मेंटेनेंस फी आपके बैंक के द्वारा डिडक्ट किया जाता है कि नहीं? किसी को देखा है क्या एनुअल एटीएम मेंटेनेंस फी डिडक्ट होता है? नहीं देखा है तो आप देखिएगा, हर एक बैंक एक साल में आपको एक बार, एक साल जो एटीएम का सर्विस वो प्रोवाइड करती है उसके एवज में आपसे कुछ कॉस्ट लेती है। तो यहाँ पे दो ₹250 समथिंग ना सर? हाँ, तो दैट डिपेंड ऑन द वेरिएंट ऑफ कार्ड कि प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, उसके आधार पे वो चार्जेस हैं। कहने का मतलब ये है कि दीज आर फॉरेन प्लेयर्स, ये पेमेंट गेटवे देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है एंड द ओल्डेस्ट पेमेंट गेटवे सिस्टम इन द वर्ल्ड, जिसकी शुरुआत कौन से ईयर में हुई और उसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, दो बार आपकी प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्जाम से आपसे पूछ लिया गया है। तो आप जाने कि वीजा सबसे ओल्डेस्ट पेमेंट गेटवे है इन द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड क्या, तालाब या नहर, गेटवे, ओल्डेस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड स्टार्टेड इन द ईयर 1958 एंड द हेडक्वार्टर इज इन कैली For Nia, and this California is the states of United States. Dusra Master 1979 कहाँ पे है? तो ये है आपकी New York. New York कहाँ है? USA का part है। दोनों में आप लिखें, left hand side लिखें Visa, right hand side लिखें Master, Visa में लिखें Oldest payment gateway in the world started in 1958 from California, US. And the second player was 1979, New York, USA, MasterCard. Visa card, MasterCard. Ho jaye to mere ko bataiye sir, done. Done sir. हमारे भारत की आबादी लगभग 130 करोड़ है तो उससे कहीं ज्यादा, लेकिन हम ऑन एन एवरेज अगर लगा के चलें तो 130 करोड़ की हमारी आबादी है। इस 130 करोड़ आबादी में क्या है, तो लगभग 80 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट है, और जिनके पास भी बैंक अकाउंट है इसका मतलब है उनके पास एटीएम तो होगा, चाहे वो जनधन योजना के अकाउंट हो, चाहे वो स्मॉल अकाउंट हो, टाइनी अकाउंट हो, किसी भी तरह का अकाउंट है, इसका मतलब उनके पास, मतलब हमने तो सिर्फ जनधन योजना के अंदर 45 करोड़ अकाउंट ओपन किए हैं, 45 करोड़। तो सोच लें कि अगर एटीएम इनको हमने दिया वीजा और मास्टर, और उनके एवज में हम वीजा वाले और मास्टर वाले को हम अगर कमीशन देते हैं, तो कितनी बड़ी जो इनकम लीकेज है वो आपके इंडिया से निकल के इस वीजा और मास्टर को चली जाएगी। यही कारण है कि भारत ने अपना पेमेंट गेटवे सिस्टम लॉन्च किया, और ये गेटवे सिस्टम जिस ईयर में लॉन्च किया गया वो ईयर थी आपकी 2012, और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस पेमेंट गेटवे को लॉन्च किया उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने आपके ही शहर मुंबई में 2008 में किए हैं। बट मैं यहां से 2008 निकाल देता हूं क्योंकि पता चला कि रुपए कार्ड को ही आप 2008 याद कर लीजिएगा, वो छोड़ दीजिए, वो एनपीसीआई में हम चलेंगे। तो 2008 एनपीसीआई का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, उसकी हम बात करेंगे। अभी आप जाने कि रुपए इज प्योर इंडिजिनस इंडियन डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट गेटवे स्टार्टेड बाय एनपीसीआई इन 2012। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। क्या बोला मैंने बोलो जरा। यस सर। रुपे सर इंडिया का पेमेंट गेटवे जो एस्टैब्लिश हुआ था 2012 को इंडिया में मुंबई में। किसने एस्टैब्लिश किया? एनपीसीआई ने। हाँ, ऐसा बोलने का पूरा है ना, रुपे इज प्योर, जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा ही लिखने का, प्योर इंडिजिनस डोमेस्टिक
इंडिजेनस मतलब इंडिया का, घरेलू मतलब इंडिया के अंदर ही सिर्फ आप इसको यूज कर सकते हैं। ये कार्ड लेके यूएस में चले गए वहां पर लगा रहे कुछ ना होने वाला है। इस प्योर इंडिजेनस डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट गेटवे, लिखें रुपे कार्ड 2012 एनपीसीआई मुंबई इज प्योर इंडिजेनस डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट के। डोमेस्टिक लिखा है इसका मतलब सिर्फ इंडिया के टेरिटरी सीमा के अंदर ही इस कार्ड का यूज होगा। बाहर आप चले जाएं तो बाहर रुपए एटीएम मशीन है ही नहीं, तो वहां पे आपको सिर्फ वीजा और मास्टर ही सपोर्ट करेगा। लेकिन हमने चूंकि इसका जो हैंडलिंग चार्ज है वो कम है, इस कारण से हमने रुपए की शुरुआत 2012 में एनपीसीआई के साथ आपके लिए की है। लिखें इसको, सर बोलिए सर। अब जैसे कि जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गई या पेटीएम पेमेंट बैंक हो गई, तो भी एक वर्चुअल डेबिट कार्ड या फिजिकल डेबिट कार्ड देती है, तो वो डेबिट कार्ड हम कोई भी एटीएम मशीन में यूज कर सकते हैं? आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हाँ बोलो, अभी आ रही है, बोलो बोलो सर। जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया या पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, तो वो भी एक फिजिकल कार्ड इशू करती है मतलब चार्जेस पे, तो वो जो कार्ड इशू करती है डेबिट कार्ड, वो हम एटीएम में इस्तेमाल कर सकते हैं? मेरे को ये बताओ, आपने अभी जो दो नाम लिए हैं, आपने अभी दो नाम लिए हैं ना? हाँ। क्या नाम लिया, फिर से नाम लो जरा। एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक। यस, स्मॉल और पेमेंट बैंक, ये दो टाइप की बैंक है। लेकिन है क्या ये एनवीएफसी की बैंक है? बैंक ये आपको कौन सा, एक मिनट, तो ये आपको कौन सा कार्ड देगी? डेबिट कार्ड ही ना सर, मतलब ब्राउन लेवल देगी ना। हाँ, तो ब्राउन लेवल डेबिट कार्ड होता है, और डेबिट कार्ड से आप किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। हाँ, तो खत्म हो गया काम, तो निकल जाएगा ना मतलब सर? बिल्कुल बिंदास निकलेगा। ओके सर, ठीक है। देखिए एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड में अंतर क्या है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। आप अगर 2010 से पुराने, आपको किसी कोऑपरेटिव अभी भी देखिएगा तो कोई कोऑपरेटिव अगर बैंक है, बहुत छोटी कोऑपरेटिव बैंक है, उसने आपको एटीएम कार्ड दिया है, तो सिर्फ उसी कोऑपरेटिव बैंक के एटीएम से आप पैसा निकाल सकते हैं, आप दूसरे बैंक में यूज ही नहीं कर सकते हैं, वो बताएगा कार्ड नॉट ऑथेंटिकेटेड, है ना। तो एटीएम कार्ड का कंसेप्ट था कि सिर्फ उसी बैंक के एटीएम से पैसा जाएगा और आएगा। लेकिन आज के डेट में क्या हो गया, तो एटीएम कार्ड बिकम ए डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड जैसे ही हुआ तो वो क्या हो गया, तो सीबीएस सिस्टम से जुड़ गया। हर एक बैंक के नेटवर्क जो है आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि सीबीएस सिस्टम हमारा काम कर रहा है। और सीबीएस का फुल फॉर्म लास्ट क्लास में बताया था, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, और फर्दर मैंने कोर का भी फुल फॉर्म बताया था, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। तो आप किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। अभी पहले मेरे से जितने भी सवाल आपके मन में आपके एटीएम डेबिट कार्ड के रिलेटेड है, एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड, उसको छोड़ के आप मेरे से पूछ लीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड को मेरे क्रेडिट कार्ड मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जितने भी मन में सवाल हैं आपके एटीएम कार्ड चार्जेज वगैरह सब पूछ लो मेरे से। बताओ क्या सर, वीजा और मास्टर तो पता तो नहीं हुआ, मिनिमम कितना बैलेंस रहना चाहिए? एक एक करके आप, एक ही बार पांच क्वेश्चन पूछूंगा तो क्या समझ पाऊंगा यार। हाँ, एक कोई क्वेश्चन पूछो सर। डेबिट कार्ड चाहिए रहेगा अपने को, तो उसके लिए बैंक में कुछ बैलेंस, कितना मिनिमम बैलेंस रहना चाहिए? फॉर डेबिट कार्ड देयर इज नो नीड टू कीप अ सिंगल रुपीज बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट। दिस इज व्हाट आरबीआई सेज। बट प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं बैंक में, हम बोलते हैं कि भाई 2000 रुपए आपको बैंक में रखने हैं, आप तो 2000 रुपए भी मेंटेन नहीं किए हुए और आप एटीएम का एप्लीकेशन लेके चले आए हो, है कि नहीं? तो नॉर्मली बैंक वाले ये बोलते हैं पहले आप पैसे रखो फिर हम एटीएम कार्ड इशू करेंगे। तो नॉर्मली वो जो कोर्स ऑफ एक्शन है, वो प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन है, वो आपको याद नहीं रखना है। बट आप जाने कि आपके अकाउंट में अगर जीरो बैलेंस भी है, आपको एटीएम कार्ड बैंक देगी, दैट्स इट, काम खत्म। आंसर मिला आपको आपके क्वेश्चन का? Yes, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। एटीएम और डेबिट कार्ड में आपने क्या डिफरेंस बोला?
एक बार फिर से क्वेश्चन पूछो मैडम। एटीएम और डेबिट कार्ड में क्या बोला आपने डिफरेंस? एटीएम कार्ड आप सिर्फ उसी बैंक के एटीएम में यूज कर सकते थे, ये एटीएम था, एक्चुअल एटीएम। डेबिट कार्ड अब ऐसा नहीं है, आपके पास अगर एसबीआई का एटीएम है तो आप एचएसबीसी से पैसा निकाल रहे हैं, एचडीएफसी से पैसा निकाल रहे हैं, जहां मन वहां से पैसा निकाल रहे हैं। तो डेबिट कार्ड आप किसी भी बैंक के एटीएम से यूज कर सकते हैं। एटीएम कार्ड सिर्फ उसी बैंक के एटीएम में आप यूज कर सकते थे जो 2005-04 की बात थी, बट अभी रिप्लेस हो चुका है। तो अभी आपके पास एटीएम नहीं है, दैट इज एटीएम कम डेबिट कार्ड। ओके सर, अभी वीजा हो गया या प्लैटिनम जो भी कार्ड है वो बैंक खुद इशू करती है कि हमें जाके उसके लिए अभी अप्लाई करना पड़ता है कि मुझे सिर्फ वीजा कार्ड? वीजा इज डिफरेंट, प्लैटिनम इज डिफरेंट। वीजा एक गेटवे सिस्टम है, मास्टर एक गेटवे सिस्टम है, अमेरिकन एक्सप्रेस एक गेटवे सिस्टम है, रुपे एक गेटवे सिस्टम है। इसके अंदर हम कस्टमर के पोर्टफोलियो के आधार पे उनको सिल्वर कार्ड, मास्टर कार्ड, गोल्ड कार्ड, चीप कार्ड, डायमंड कार्ड, प्लैटिनम कार्ड इशू करते हैं। तो कस्टमर अगर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, 50,000 प्लस उसकी सैलरी है, तो प्लैटिनम कार्ड हम उसको देंगे। कस्टमर अगर चिंदी चोर है, जनधन योजना वाला अकाउंट का कस्टमर है, उसको हम डेबिट कार्ड देंगे, बिल्कुल कोई लेवल का नहीं देंगे, है कि नहीं? तो उसका भी चार्ज बैंक काट के देती है क्या वो? नहीं नहीं नहीं, प्लैटिनम कार्ड आपका है तो एनुअल एटीएम मेंटेनेंस फी जो आपका कटेगा वो मोर देन जो गोल्ड वाले होंगे या सिल्वर वाले होंगे उनके सेगमेंटेशन के आधार पर आपका ज्यादा कटेगा, क्योंकि प्लैटिनम कार्ड में 1,00,000 रुपए तक कैश आप विड्रॉ कर सकते हैं। आपके पास जो कार्ड है उसमें कितने पैसे निकलते हैं? 40,000 निकलते हैं एक बार में, एक दिन में, एक दिन में 25,000 से 25,000 तक। हाँ, तो जैसा ऐसा कार्ड, जैसा ऐसा उसका वैरायटी, वैसा ऐसा उसकी लिमिट, 1,00,000 तक विड्रॉ आप प्लैटिनम कार्ड से आप एक दिन में कर सकते हैं। तो उसका फैसिलिटी है, उस फैसिलिटी के एवज में एनुअल मेंटेनेंस चार्ज उनका 450 रुपए कटेगा। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। डीजल मास्टर कार्ड हुआ और ये रुपए हुआ, तो हम अगर हम मतलब किसी भी बैंक में जाते हैं तो हम ऐसा बोल देंगे कि हमें वीजा मास्टर कार्ड चाहिए, रुपए कार्ड चाहिए, मतलब हमारे अकॉर्डिंग वो देंगे या फिर मतलब वो सिर्फ वीजा ही देंगे या फिर किसी बैंक में ऐसे स्पेसिफाई? सुनो, आप अगर कुछ भी नहीं लिख के देते हो, आप अगर बोलते हो कि मुझे एटीएम कार्ड दे दो, क्योंकि जनरली यही कस्टमर करते हैं, एटीएम का एप्लीकेशन भरते हैं और दे देते हैं। अगर मेट्रो शहर है, मेट्रो है या फिर शहर है, तो आपको वीजा और मास्टर मिलेगा। लेकिन आप अगर स्पेसिफाई किया मुझे रुपए कार्ड चाहिए, गांव में आप गए हैं, गांव में आपने एप्लीकेशन दिया, तो आपको रुपए कार्ड ही मिलेगा। क्योंकि जो बड़े शहर वाले कस्टमर है वो हो सकता है कि कहीं शॉपिंग कर रहे हैं या इंटरनेशनल गेटवे में वो कहीं पेमेंट कर रहे हैं बड़े बड़े साइट पे, तो वहां पर रुपए कार्ड उनका एक्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेशनल गेटवे सिस्टम है ही नहीं, वो डोमेस्टिक पेमेंट गेटवे सिस्टम है, तो वहां पर रुपए का एक्सेप्टेंस नहीं है। इस कारण से रुपए हम लगभग उसी कस्टमर को देते हैं जो छोटा कस्टमर, जिनका पोर्टफोलियो छोटा है, स्टूडेंट है तो उनको हम रुपए कार्ड देंगे, फार्मर है उनको हम रुपए कार्ड देंगे, लेकिन कोई क्या है सैलराइड कस्टमर तो उनको हम रुपए कार्ड नहीं देंगे, उनको हम वीजा या मास्टर कार्ड देंगे। सर, ये कोई करता कि हमें कौन सा कार्ड देना है, वीजा कार्ड देना है या रुपए कार्ड देना है, क्या मतलब ये चीज बैंक डिसाइड करती है, हम खुद से नहीं कर सकते कि हमें रुपए कार्ड चाहिए, हमें वीजा कार्ड चाहिए, ये चीज नहीं, नहीं। आपने अपने एप्लीकेशन के ऊपर में लिख के दिया वीजा, तो आपको वीजा मिलेगा। अगर खुद होके आप बोलते हैं मुझे रुपए कार्ड चाहिए, तो बैंक रुपए कार्ड आपको देगी। ओके सर, कस्टमर अगर खुद ही डिमांड कर रहा है, अभी आप बिग बाजार में जाते हैं तो आप बोलते हैं ना कि मुझे मैगी चाहिए, तो ही मैगी मिलता है। तो अगर कस्टमर खुद होकर डिमांड करता है कि मुझे रुपए चाहिए, तो बैंक आपको रुपए देगी, क्योंकि बैंक तो बिग बाजार है, वो तो बेचने के लिए बैठा हुआ है, तो आपको रुपए कार्ड देगी, आपको डिमांड करना पड़ेगा। अगर डिमांड नहीं किया तो आपको वीजा या मास्टर कार्ड देगी मेट्रो सिटी में लगभग। तो सर, रुपए कार्ड का एनुअल चार्जेस कम है वीजा से? रुपए कार्ड एनुअल चार्जेस इज 47 रुपीज ओनली। दूसरे का लो, वीजा लो, मास्टर लो, देखो 200 रुपए होगा। सर, जैसे हमारे ज्यादा बैलेंस नहीं है, थोड़ा ही मतलब डेली मतलब थोड़ा ही यूज करते हैं, ज्यादा कुछ, और बैंक ने हमें क्या वीजा कार्ड दे दिया, हमने एक्चुअली स्पेसिफिक नहीं बोला था हमें ये रुपए कार्ड चाहिए या वीजा कार्ड चाहिए, तो उन्होंने हमें वीजा कार्ड दे दिया, तो उसका हमारा मतलब एनुअल चार्जेस जो हम तो हाई पे करेंगे ना अकॉर्डिंग टू रुपए कार्ड? बिल्कुल हाई पे कीजिएगा, बिल्कुल। वॉइस नहीं आ रही आपकी सर, वॉइस नहीं आ रही आपकी? नहीं सर, नहीं आ रही है, नहीं आ रही सर वॉइस। नहीं आई सर।
नहीं आ रही है सर। नहीं आ रही सर। हाँ जी आवाज आई अभी? हाँ सर आई 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 आई। बोलो और कोई क्वेश्चन है आपके पास या आखिरी का मैं चीज लूँ? क्वेश्चन है तो पूछो। नहीं हो गया सर। हेलो सर बोलिए। सर वो प्रीपेड जो कार्ड रहता है उसकी कुछ लिमिट रहती है क्या? किसकी? प्रीपेड कार्ड की। प्रीपेड कार्ड की? प्रीपेड कार्ड की? हाँ हाँ। प्रीपेड कार्ड का मतलब देखो 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 अच्छा क्वेश्चन पूछा है तुमने। इसका मतलब हो ना हो आपके पास कार्ड है क्या प्रीपेड कार्ड? नहीं है सर। अच्छा ठीक है चलो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एडहेड करूंगा। और किसी के पास कोई क्वेश्चन? हेलो बोलो। हाँ सर अपने पास रुपए कार्ड रहेगा और वीजा कार्ड रहेगा, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? फैसिलिटी कुछ अलग है क्या? वीजा में ज्यादा फैसिलिटी है, वीजा आप कहीं भी यूज कर सकते हो, रुपए आप कहीं भी नहीं यूज कर सकते हो। रुपए एक स्पेसिफिक टेरिटरी मतलब सिर्फ इंडिया में यूज होगा, बहुत लिमिटेड वेबसाइट पे ही आप पेमेंट गेटवे कर सकते हैं। वीजा में कहीं भी पेमेंट गेटवे आप कर सकते हैं, वीजा में अक्रॉस वर्ल्ड आप उसे यूज कर सकते हैं, है ना? क्योंकि जो वीजा का पेमेंट गेटवे सिस्टम है वो 102 कंट्री में फैला हुआ है, तो वीजा में जो फ्रीडम है वो ज्यादा है, रुपए में जो फ्रीडम है वो कम है। और वो आप जो एनुअल बोल रहे हो रुपए का 47 और वीजा का, मतलब वो क्या मिनिमम बैलेंस या क्या? एनुअल एटीएम जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है सर्विसेज, उसके एवज में आपसे कुछ कॉस्ट लिया जाएगा ना, सर्वर चल रहा है उनका, सर्वर मेंटेनेंस है। Okay, उसके एवज में जो कॉस्ट लिया जा रहा है दैट इज कॉल्ड एनुअल एटीएम मेंटेनेंस फी। तो इफ यू आर द होल्डर ऑफ वीजा और मास्टर कार्ड यू विल बी चार्ज हायर देन द रुपे कार्ड होल्डर। ठीक है ओके ओके। हाँ क्रेडिट कार्ड तो इट इज नॉट कंपल्सरी इफ यू वांट क्रेडिट कार्ड इट इज नॉट कंपल्सरी टू कीप एन अकाउंट विद अ कंसर्न बैंक। पहली बात तो यही है, अगर मुझे डेबिट कार्ड चाहिए था तो मेरा उस बैंक में अकाउंट होना कंपलसरी था, विदाउट अकाउंट मैं एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकता था। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड चाहिए तो टू बिकम ए क्रेडिट कार्ड होल्डर इट इज नॉट कंपलसरी टू कीप एन अकाउंट विद अ कंसर्न बैंक। सपोज मेरी जो अकाउंट है वो SBI की है, लेकिन मुझे फोन आता है कि सर रिलायंस का क्रेडिट कार्ड आप ले लो, तो क्या इट इज कंपलसरी कि रिलायंस में जाके मुझे सेविंग अकाउंट ओपन करना है? नो नो सर। पहली क्वेश्चन यही है आपसे पूछा जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो पहली बात है क्रेडिट कार्ड के लिए सेविंग बैंक अकाउंट का होना उस बैंक में कंपलसरी नहीं है। पहली और आखिरी बात लिख लें, सेविंग अकाउंट नॉट कंपलसरी। ठीक है क्रेडिट कार्ड में सिर्फ एक ही बात लिखिए, सेविंग अकाउंट इज नॉट कंपलसरी। बाकी तो आप जानते ही हैं कि लिमिट के आधार पे हम उस पैसे का यूज कर सकते हैं और उस लिमिट डेज के बाद वो पैसा हमें भरना है, नहीं भरेंगे तो इंटरेस्ट चार्जेबल हो जाएगा, तो ये क्रेडिट कार्ड है। आखिरी बात वर्चुअल कार्ड। देखिए वर्चुअल कार्ड क्या है, वर्चुअल कार्ड बेसिकली एक प्रीपेड कार्ड है। किसी ने मेरे से अभी पूछा था कि सर प्रीपेड कार्ड में कोई लिमिट होती है क्या? यस प्रीपेड कार्ड की लिमिट होती है। अगर प्रीपेड कार्ड हमने 10,000 रुपए का ही बनाया, प्रीपेड कार्ड क्या होता है, तो प्रीपेड कार्ड इज ऑल्सो ए डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड इज ऑल्सो वर्चुअल कार्ड, प्रीपेड कार्ड इज ऑल्सो गिफ्ट कार्ड एंड प्रीपेड कार्ड इज ऑल्सो अचीवर्स कार्ड। तो ये चारों प्रीपेड का एग्जाम्पल है। प्रीपेड क्या होता है, तो अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं, अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो ही आप इन कार्ड को यूज कर सकते हैं। डेबिट कार्ड में अकाउंट में पैसे होंगे तो ही डेबिट कार्ड यूज होगा। वर्चुअल कार्ड क्या होता है बताता हूं। गिफ्ट कार्ड में ऑलरेडी सपोज रक्षाबंधन में आप अपने बहन को गिफ्ट कर रहे हैं, तो आपने क्या बोला, आपने बोला अमेजन से हम 500 रुपए का गिफ्ट कार्ड परचेज कर लिए।
इट मींस उस गिफ्ट कार्ड में 500 रुपया डाला हुआ है तो आप यूज कर पा रहे हैं। अचीवर कार्ड किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अपने टारगेट से ज्यादा आपने अचीव किया तो ऑटोमेटिक इसमें पैसे आएंगे, दैट इज अचीवर्स कार्ड। तो ये सारे एग्जांपल हैं आपके प्रीपेड कार्ड के लिए। प्रीपेड का मतलब ही ये होता है क्या कि पहले पैसे भरो, मतलब यहां पे पहले पैसे भरो तो ये प्रीपेड कार्ड होगा। प्रीपेड कार्ड का एग्जांपल मैंने चार दिया है, डेबिट कार्ड, वर्चुअल कार्ड, गिफ्ट कार्ड एंड अचीवर कार्ड। गिफ्ट कार्ड मैंने आपको समझाया है, अमेज़न का जो गिफ्ट वाउचर होता है तो वो गिफ्ट कार्ड है, आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। सपोज आपको कोई बड़ा गिफ्ट नहीं करना है, है ना, अमाउंट का गिफ्ट करना है तो ऑटोमेटिक आप गिफ्ट कार्ड कर सकते हैं। डेबिट कार्ड यू विल नो, अचीवर्स कार्ड मैंने पहले ही बताया, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं टारगेट से बियॉन्ड, आप अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो कंपनी आपके कार्ड में पैसा डालेगी, जिस कार्ड से सिर्फ पैसे आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, अदर देन आप पॉस मशीन पे उसको परचेज कर सकते हैं, आप कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मैं बता रहा था अभी वर्चुअल कार्ड के बारे में, मैंने अपने पापा को फोन किया कि मुझे रिबॉक का शूज बहुत पसंद है, मुझे 5,000 रुपये आप भेजो, अगर 5,000 रुपये नहीं भेज रहे हो तो आज फ्लिपकार्ट पे सेल लगा हुआ है, कल मुझे ये जो 5,000 रुपीज का शूज है वो 8,000 में मिलेगा, तो 5,000 भेजना तो बहुत टफ है। मैंने पापा को बोला कि एटीएम कार्ड का नंबर उसका पासवर्ड बता दीजिए। फादर ने सोचा कि अगर इस नालायक को हमने एटीएम कार्ड का नंबर और पासवर्ड बताया तो 5 की जगह ये 50 का शॉपिंग कर लेगा। आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही आ रही है। पांच की जगह, 5 की जगह कितने का शॉपिंग करेगा? 50। मेरे फादर ने क्या किया, मेरे फादर मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट थे, वो गए इंटरनेट बैंकिंग पे, उन्होंने बोला क्रिएट ए वर्चुअल कार्ड एंड द लिमिट ऑफ दिस वर्चुअल कार्ड इज 5,000 रुपीज। जैसे ही वो 5,000 रुपीज के लिए वर्चुअल कार्ड क्रिएट करेंगे, उसमें ओटीपी डालेंगे, जैसा मेरा जैसा उनका एटीएम है सेम वैसा ही एटीएम उनके स्क्रीन पे उनको दिखने लगेगा, ऊपर में 16 डिजिट वो नंबर भी दिखेगा, पीछे के सीवी नंबर भी दिखेंगे और उसका टेम्पररी पासवर्ड उनके मोबाइल पे आ जाएगा। फादर मेरे को क्या शेयर करेंगे अभी, तो उनके वर्चुअल कार्ड का डिटेल, सो दैट कि मैंने अगर 5,000 रुपए का मांगा है तो सिर्फ 5,000 का ही मैं शॉपिंग कर सकता हूं। इस 5,000 में मैंने 4,798 रुपए का शॉपिंग किया, कर लिया मैंने शॉपिंग, तो 4,798 रुपए को छोड़ के जो भी पैसा बच गया, कितने पैसे बच गए अभी 5,000 में, कितने कम हो गए? 202 रुपए। तो 202 रुपए ये ऑटोमेटिक 48 आवर्स के बाद मेरे पापा के उसी अकाउंट में चले जाएंगे जिस अकाउंट से मेरे पापा ने अपना वर्चुअल कार्ड बनाया था। द मीनिंग ऑफ दिस वर्चुअल कार्ड इज दिस कार्ड इज ए वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब क्या होता है, डिजिटल कार्ड है, दिस इज ए वर्चुअल और डिजिटल कार्ड विच इज वैलिड फॉर ओनली 48 आवर्स। सिर्फ अगर मैं पापा ने भेज दिया और मैं 2 दिन तक सोया रहा कुंभकर्ण की तरह, ऑटोमेटिक ये 5,000 रुपया 2 दिनों के बाद पापा के अकाउंट में चला जाएगा। दिस इज वर्चुअल कार्ड एंड दिस इज द लास्ट कार्ड ऑफ योर टुडेज टॉपिक। लिखें वर्चुअल कार्ड, लिखें वर्चुअल इज बेसिकली, वर्चुअल कार्ड इज बेसिकली ऑनलाइन कार्ड, वर्चुअल कार्ड इज बेसिकली ऑनलाइन कार्ड created by an individual, virtual card is basically online card created by an individual of his desired amount which is valid for only 48 hours, which is valid for only 48 hours। इंडिविजुअल के बारे में क्या बोला आपने, क्या बोला कि कोई एक बोलो, ऑफिस डिजायर्ड, वर्चुअल कार्ड इज ऑनलाइन कार्ड क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल ऑफ हिज डिजायर्ड अमाउंट व्हिच इज वैलिड फॉर ओनली 48 आवर्स। समझ में आया? Yes, sir. तो ये हैं आपके तमाम कार्ड जो आपके एग्जामिनेशन में घूम घूम के आ सकते हैं, जरूर याद रखें
खासकर 7 दिनों में अगर बैंक ने आपके पैसे रिवर्स नहीं किए हैं तो 100 रुपीज की पेनल्टी की बात, खासकर अदर बैंक एटीएम को 5 ट्रांजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट करके 3 किया गया है 6 महानगरों में, तो वो 6 महानगरों का नाम जरूर याद रखें। क्रेडिट कार्ड इज पोस्टपेड कार्ड, वो याद रखना है। एंड ऑल कार्ड्स आर प्लास्टिक कार्ड, पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लास्टिक कार्ड, गांठ बांध लें, सारी की सारी कार्ड प्लास्टिक कार्ड है। ऐसा नहीं क्रेडिट कार्ड को आप बाहर कर दीजिएगा, जिससे आप पैसा विड्रॉ करते हैं, जिससे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जिससे आप पॉस पे ट्रांजेक्शन करते हैं, ये सारी की सारी कार्ड प्लास्टिक कार्ड का एग्जाम्पल है, जिसको हमने अलग अलग रूप में आपके साथ प्रेजेंट किया है, चाहे वो प्रीपेड हो चाहे वो पोस्टपेड हो। प्रीपेड में हमने व्हाइट लेबल एटीएम को देखा, हमने ब्राउन लेबल एटीएम को देखा, एनबीएफसी को देखा, एफडीआई की लिमिट डब्ल्यूएलए में हमने 100% देखा, और बीएलए में हमने गवर्नमेंट बैंक 26% से लेके प्राइवेट बैंक 74% तक की बातें आपके साथ आज की है। इतनी ही बात हम आपके क्लास में आज के लिए रखेंगे, नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे, इससे ज्यादा की हम बात दूसरे टॉपिक पे आपके साथ करेंगे। आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। नो सर, कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलिए, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय।